नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चंद महीनों की दूरी रह गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में 3 दिनों के भीतर 2 बार सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होता है। ये महज एक आगमन नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जनपद गाजीपुर आते हैं तो कई सारी सड़कों का उपहार भी देकर जाते हैं। खैर, टीवी के मैटनी शो में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास काम आएगा या एक बार फिर जातिगत समीकरण पर ही ध्यान देना होगा। आइए एक नजर डालते हैं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र पर। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और गाजीपुर में सांसद बने मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री भी बने। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना और मनोज सिन्हा का केंद्रीय मंत्री बनना, ऐसे में गाजीपुर के विकास का रास्ता खुल गया। कहा जाता है कि 2017 की विधानसभा चुनाव में मनोज सिन्हा ने ही डॉक्टर संगीता बलवंत को फ्रंट पे लाया था और उन्हें चुनाव लड़वाया था। संगीता बलवंत भी मनोज सिन्हा को अपना आइडियल मानती हैं। मनोज सिन्हा और संगीता बलवंत ने 2017 के बाद संयुक्त रूप से कार्य किया और गाजीपुर में कई विकास कार्य भी हुए। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता है। मनोज सिन्हा चुनाव हार जाते हैं और गाजीपुर के सांसद बन जाते हैं अफजाल अंसारी। मनोज सिन्हा से पहले गाजीपुर के सांसद थे राधे मोहन सिंह। उस वक्त गाजीपुर को एक उपहार मिला था रौजा ओवरब्रिज के रूप में। वैसे राधे मोहन सिंह ने अफीम फैक्ट्री में स्थित केंद्रीय विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। खैर, डॉक्टर संगीता बलवंत से पहले गाजीपुर में एक और मंत्री हुए, विजय मिश्र। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से उन्होंने सदर विधानसभा चुनाव जीता था और विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में यानी अखिलेश सरकार में उस वक्त मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन अब विजय मिश्र भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में 2022 में चुनावी समीकरण क्या होगा। आइए एक नजर डालते हैं जातिगत आंकड़ों पर। गाजीपुर सदर विधानसभा में करीब 3,60,000 मतदाता हैं, जिसमें से करीब 55,000 बिंद, करीब 50,000 यादव, करीब 36,000 मुसलमान, करीब 30,000 क्षत्रिय, करीब 28,000 ब्राह्मण, करीब 10,000 भूमिहार, करीब 10,000 कायस्थ, करीब 6,000 राजभर, करीब 14,000 चौहान, करीब 15,000 मुसहर, करीब 25,000 कुम्हार और बनिया और करीब 50,000 अन्य जातियां हैं। जातिगत आंकड़ों के हिसाब से कौन मजबूत लग रहा है, ये समझने के लिए थोड़ा सदर विधानसभा क्षेत्र के पुराने इतिहास पर भी नजर डालना होगा। सदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो साल 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उदय प्रताप ने 26,280 मत पाकर चुनाव जीता था। 1996 में भाकपा के राजेंद्र ने 52,891 मत पाया था, लेकिन 2002 से ये लड़ाई सीधे बसपा और सपा की हो गई। 2002 में बसपा की उमाशंकर ने 43,920 मत पाकर चुनाव जीता, तो वहीं 2007 में सपा की सैयद शादा फातिमा ने 41,829 मत पाकर चुनाव को जीत लिया था। इस दौरान चुनाव में सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर होती थी। नतीजा ये रहा कि 2012 में सपा के विजय कुमार मिश्र ने बसपा के राजकुमार से महज 241 मतों से चुनाव जीता था। लेकिन 2017 में भाजपा वापस आ गई और बम्पर वोटों के साथ डॉक्टर संगीता बलवन ने इस चुनाव को जीत लिया। उस दौरान संगीता बलवन को 92,090 मत मिले थे, लेकिन सपा और बसपा में फिर भी कांटे की टक्कर बनी रही। 2002, 2007 और 2012 की तरह 2017 में भी सपा और बसपा अपने पारंपरिक आंकड़े पर बनी रहीं, यानी उनको 50,000 के आसपास के मत प्राप्त होते रहे।
चुनाव में सबसे पहले यह निर्भर करता है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन फिर भी यदि समीकरण की बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा डॉक्टर संगीता बलवंत होती हैं, तो उनके पास अपने करीब 50,000 वोट तो हैं। उसके बाद भी ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय और कायस्थ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर संगीता बलवंत एक बार फिर 90,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। यदि पुराने समीकरण को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उस पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति भी मजबूत नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण और कायस्थ वोट बैंक का भी विभाजन हो सकता है। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत नहीं है और सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने दलितों और मुसहरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। ऐसे में दलित और मुसहर समाज के लोग डॉक्टर संगीता बलवंत के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन गाजीपुर शहर का पूर्ण विकास ना हो सका, डॉक्टर संगीता बलवंत को राज्य मंत्री बना दिया गया। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर संगीता बलवंत गाजीपुर शहर में हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान देंगी। यहाँ के अतिक्रमण को हटाया जाएगा, दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि शहर साफ और सुंदर बन सके, यहाँ का ट्रैफिक आराम से चल सके। खैर, समीकरण कहते हैं कि सदर विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर हो सकती है। गाजीपुर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। ऐसे में लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर में कोई रोड शो ना करे। यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर में रोड शो करता है या जनसभा करता है तो उम्मीद है कि हवा बदल सकती है। खैर, आप जागरूक बनिए, देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।